आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रामपुर में पसमंदा सम्मेलन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय रहा उपस्थित। श्रावस्ती में सम्मान अफरोज खान पहुंचे श्रावस्ती जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। मऊ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, निमोनिया के प्रति लोगों को किया जागरूक। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में फायरिंग, आरोपी युवक पुलिस की हिरासत में। अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची को बनाया शिकार, मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से, जहां नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर वर्चुअली अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने डेंगू की रोकथाम और बेहतर इलाज के संबंध में चर्चा की। बैठक में IMA, IEP, NHA के डॉक्टर और नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे। खबर मैनपुरी से, जहां लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में प्रदेश सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह जनपद पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, पर यहाँ की स्थानीय जनता अच्छे कार्यों की वजह से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाएगी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो इसलिए तेजी टोकार, उनको कोई, वो तो सपा सुप्रीम हुआ है। हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। परसों ही हमारे पार्टी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आए थे। चिंतन मंथन हुआ, विचार मंथन जिले पर हुआ, आज प्रदेश पर भी चिंतन हो रहा है। हम समझते हैं 17 से पहले प्रत्याशी भी उतरेगा, नामांकन भी होगा, और समाजवादी पार्टी को तो क्या कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चुनाव लड़ रहा, कमल खिलेगा, कमल जीतेगा। मैनपुरी में भोगांव थाना क्षेत्र के गांव छाचा में युवक ने मायके आई विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस आगे की जाँच में जुट गई। अपने घर पे थे हम, गेट हम लोग काम करने जा रहे थे, हमने कहा चलो छत पे चले, तो वो बाहर खड़ी थी, हमने कहा लाओ गेट लगा ले, हम गेट के पीछे थे, तो उसने गेट में धक्का मारा, हम गिर गए उल्टे, उधर गिर गए, तब तक पता नहीं किसने मारी, कौन मार के एकदम भाग गया, हम कहीं गिर गई, पता नहीं क्या हो गया, इन्हें एकदम से गिर गई, जब तक मैंने उन्हें उठाया तब तक पता नहीं कोई दिखाई नहीं, पता नहीं कौन था, मैंने बाहर देखा कि एकदम भाग के कोई था ही नहीं। भोगांव थाना अंतर्गत छाछा गाँव में एक अंजू नाम की महिला, जिसकी अभी 4 माह पहले शादी हुई थी, अपने मायके कल आई थी, उसको गांव के ही एक कुलदीप नाम के लड़के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है, तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज किया जाएगा और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। गाजीपुर जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि जिला जज सुरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण शामिल हुए। इस दौरान फैमिली कोर्ट के शिव कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अदालत में समझौते के माध्यम से ज्यादा मामलों का निर्णय लिया जाएगा। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, दिन द्वितीय शनिवार 12 नवंबर को, और इसका उद्देश्य ये है कि पक्षकारों के मध्य जो मुकदमे लंबित हैं बहुत वर्षों से और
लघु विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं, तो इस तरीके के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करना है। और लोक अदालत की सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ये जो आयोजन किया जाता है, इसमें जो फैसले होते हैं वो अंतिम विनिश्चय होता है, यानी कि इसकी कोई अपील रिविजन नहीं होती। अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सम्मान अफरोज खान श्रावस्ती के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू के बचाव के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही अस्पताल के हर एक वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों ने हालचाल जाना और डॉक्टर द्वारा मरीज को लिखी गई दवाइयों के बारे में भी पूछताछ की, जिसके बाद जो भी डॉक्टरों ने दवाइयाँ बाहर से लिखी थी उन पर सवाल भी खड़े किए गए। यहाँ पे डेंगू का एक पेशेंट अभी तक नहीं आया है। उन्होंने जांच करी, उसमें भी उनका डेंगू का कोई समस्या नहीं निकली है। जहाँ तक डेंगू किट की बात है, डेंगू किट भी इनकी है और पर्याप्त मात्रा में है, और डेंगू को लेके हर चीज़ इनकी तैयारी में पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वार्ड की हो, मेरे साथ 7, 8, 9, 10 बेड का वार्ड भी तैयार है, और जो चीज़ें डेंगू के लिए चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त में है। उसके अलावा भी कुछ समस्या मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स बेचारे झेल रहे हैं, वो लिखी है मैंने कुछ समस्या लिख रहे हैं, और जो भी समस्या जो बाहर हमारे पेशेंट्स जो आते हैं जो गांव से, उनकी जो समस्या मैंने डिस्कस करी है। खबर रामपुर से, जहां डिप्टी सीएम बीएस पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और सरदार बलदेव सिंह ओलख महात्मा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित पसमंदा सम्मेलन में मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और मुस्लिम समुदाय को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली के नेतृत्व में अल्पसंख्यक पसमंदा समाज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। रामपुर जनपद मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोग आए थे। अरे आईडी तो हटाओ यार। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में चिकन से अल्पसंख्यक समाज के पसमांदा समाज के पूरे खचाखच स्टेडियम में अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। मैं रामपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, और उनको भरोसा दिलाता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम लोग काम करेंगे। खबर मऊ से, जहां विश्व निमोनिया डे पर शारदा नारायण अस्पताल में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह ने निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए तेज बुखार, फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में परेशानी, निमोनिया के लक्षण बताए। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों में ही नहीं, वयस्क भी निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। आज विश्व निमोनिया दिवस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आप 12 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व निमोनिया मनाया जाता है, आप देखे होंगे कि अभी कोविड में भी निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि जिससे कि कितने लोग परेशान हुए थे। तो आज इस साल की जो 2022 की थीम है कि निमोनिया को कैसे बचाया जाए, कैसे इससे बचे लोग, तो खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो तमाम लोग हैं उनसे निमोनिया से उनकी मृत्यु होती है। तो अगर निमोनिया को इस बार की थीम में कि हम लोग निमोनिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इसको बचाया जाए, इसी पे इस साल पूरे कार्यक्रम होगा। और आज इस दिवस का मतलब यह है कि आपके माध्यम से एक अवेयरनेस सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाई जाए, जागरूकता फैला के लोगों को बताया जाए कि निमोनिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसको बचाया जा सकता है, आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं, और इसलिए अगर समय से पहले उसका इलाज किया जाए, समय से पहले उसकी डायग्नोसिस सही बना लिया जाए तो मरीज की जान बच सकती है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां भारतीय किसान यूनियन संगठन कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला शामू के नेतृत्व में विद्युत विभाग ने दुर्घटना के बाद पावर हाउस में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से खंड विकास अधिकारी पसगवां के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार व ग्राम प्रधानों के उत्पीड़न को भी मांग पत्र में शामिल किया गया। 7 नवम्बर को हुई महापंचायत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा जो भी कहा गया था वह सारी की सारी बातें असत्य साबित हुई हैं। परिणाम उसके जो आने चाहिए ठीक उसके विपरीत आए हैं। उन्होंने पत्रकार किसानों और प्रधानों के सम्मान की बात की थी, 3 दिन में वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीसरे दिन वार्ता न करा करके
बल्कि पत्रकारों, प्रधानों और किसानों के ऊपर नामजद 12 लोगों के विरुद्ध थाना मैगलगंज में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें 8 लोगों को अज्ञात भी रखा गया है तथा समय सीमा में आज 5 दिन बीत गया, अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से किसी ने भी ना तो संपर्क साधा है। खबर हरदोई से, जहां युवक ने अपने मां की हत्या कर दी है, खुद को बचाने के लिए गांव वालों को मौत की गलत जानकारी दी। मृतका के दूसरे बेटे ने थाने में भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया, आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। अलीगढ़ में चौड़ौस क्षेत्र के एक गांव में शर्मनाक करतूत सामने आई। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालक ने एक 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की, वहीं बच्ची किसी भी तरीके से अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो गई। घर पहुंचते अपने परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। कपड़े लेने आई। किस लिए? शादी है, भाई मरना है। तो वो कैसे ले गया आपसे? वो उसकी बहू कह रही थी। तो वो घर जा रहा हूँ टेम्पू लेके। मैंने कहा कि मैं तू जा रही है तो मैं लाऊंगी, अगर ले जा बुला के। बोली चाची बिठा दे, मैं ले जाऊंगी बुला के। हमारे घर ना है कोई, हमारे बालक ना है। मैंने कहा बकाया बच्चा बंद रहा है, फिर पैसे में लौट दिया चली जाएगी, सब बकाया चुमा ला रही और घर भी देख लेगी। तो अपनी बहुत कह के चले हुआ, मैं टेम्पू संभाल रहा हूँ। टेम्पू खराब है, वह लौंडिया उतार के ना बहुत लौंडिया संभाल। अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय चौकी प्रभारी का रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। चौकी प्रभारी को रिश्वत देने के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चंदा मांगा। न्याय न मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा काटा। ये गाय को निकाल लेते तो उन लोगों ने बद्दी बद्दी गालियां लेके इनको, और गाय को भी अब शब्द बोलते रहे कि क्यों निकाल रहे हो, मर जाने दो, इस तरीके से किया जाएगा। इन्होंने विरोध किया कि भाई इस चक्कर में इनका विरोध करने के चक्कर में लोगों की कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद करीब कुछ 15-20 आधे घंटे बाद ही सारे लोग इकट्ठे होकर इनके घर पर पहुंचे। घर में घुस के इनको लाठी डंडों से पूरी तरह से पीटा, नाक पूरी तरह से टूटी हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, उसमें 151 कर दी, मुकदमा पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया। अब उस मुकदमे में ही पुनर्विवेचना के आदेश कराने हैं और भ्रष्ट अधिकारी संजीव कुमार को, भ्रष्ट दरोगा संजीव कुमार को हमें निलंबन चाहिए उनका, उनके सस्पेंशन की मांग करते हैं। यहाँ पे सस्पेंड होने चाहिए वो व्यक्ति और पुनर्विवेचना होकर इस व्यक्ति को न्याय मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ता और बजरंग दल हर कार्यकर्ता के साथ पूरी तरह से खड़ा रहेगा। प्रशासन संजीव कुमार चौकी इंचार्ज जो है रहेगा नहीं, 80,000 रुपए पीड़ित परिवार से मांगे, 3,000 रुपए जो पीड़ित परिवार से मांगे और पीड़ित के पास 3,000 रुपए ना होने के कारण उसके ऊपर ही झूठा मुकदमा लगाने की बात कही। आज पीड़ित के साथ बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता मौजूद है और एक एक रुपया, दो दो रुपया जहाँ तक मिलेगा हमें प्रशासन को देने के लिए, चौकी इंचार्ज को देने के लिए, जो ना तो सीओ साहब के अंडर में आ रहा है ना एसओ साहब की बात की मानना है। और मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, पूरे संगठन हमारे बजरंग दल, हमारे भारत जी ये बात को कहते हैं कि जहाँ तक चंदा इकट्ठा होकर इस पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े होकर चलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में फायरिंग करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। असिस्टेंट प्रैक्टर ने बताया कि दोनों युवकों का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में लग गई है। जा रहा था वहाँ से, गाड़ी पर से जा रहा था मैं, गाड़ी पर से जाके 3-4 लड़की बैठी थी, एक ने मतलब दूर से इशारा कर दिया, कमेंट पास कर दी थी मतलब। तो मैंने गाड़ी मोड़ के लगाई, लगाने के बाद तो मैंने लड़के को बुलाया, मैंने इधर आ, मैंने उसे मतलब वो मुझे गाली गुफ्तारी करने लगा। तो फिर वहीं से आतापाई शुरू हो गई थी मतलब, फिर मैं वहाँ से चला गया था। फिर वहाँ से आके फिर मैंने ये सब चीज़ें ली थी मतलब, जो भी मेरे पास बरामद है। क्या क्या मिला है तुम्हें, क्या है? जो भी है यही है। ये कोई, इसका नाम है, इसका नाम है शुएब उर्फ चोबा, ये जीमनगढ़ का रहने वाला है और ये हमारे छात्र कभी नहीं रहा है ना, इसने अभी तक कोई बताया है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ, और लग भी नहीं रहा है कि हमारा छात्र है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने, पुलिस ऑफिसर्स हमारे यहाँ आ गए हैं प्रॉक्टर ऑफिस, तो इन्होंने वो इसको इंट्रोगेट कर रहे हैं
और इंट्रोगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी मंशा क्या थी, किस लिए इसने ऐसा किया। और प्रेमा फसाई अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे लग रहा है कि नशे की हालत में था और इसने सिर्फ यहाँ माहौल ख़राब करने की कैंपस का इसने ये एक्टिविटी किया। FIR दर्ज की कार्रवाई चल रही है। AMU यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र छात्राओं का एक ग्रुप बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम सुहेब उर्फ चौबा सन ऑफ असलम बताया जा रहा है पहुँचा और किसी बात को लेके सुहेब और ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। तब सुहेब वहाँ से चले गया, परंतु दोबारा वह अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसके द्वारा वहाँ पर फायर किया जाना प्रकाश में आया है। फायर से किसी को चोट नहीं लगी है और यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं बताया जा रहा है। सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसको पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया है। फिलहाल व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है और तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। खबर लखनऊ से, जहां थाना सादतगंज में इंडियन तालाब चौकी क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वोट मांगने गए पार्षद के भतीजे ने गरीब महिलाओं से अभद्रता की। आपको बता दें कि महिला ने प्रत्याशी से कहा कि वोट मांगने सब आते हैं मगर काम कोई नहीं करता, तो दबंगों ने महिला के साथ गाली गलौज की है। वहीं आज जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के साथ हाथापाई भी की। खबर हरदोई से है, जहां मछली पकड़ने के मामूली विवाद में चार लोगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।